आज 4 दिन हो गया, कोई अता पता कोई था नहीं है, कहाँ है, कौन सी हाल में है, कभी घर से बाहर नहीं जाते थे, एक मिनट के लिए भी नहीं, दुकान अगर भेजते थे तो बहुत जल्दी आ जाते थे, कहीं नहीं बाहर नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना ना, किसी से बात न विचार, और वो आदमी 4 दिन से बाहर है। जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी आईसीयू में, तब 21 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर दिन रात इंतजार करते थे, परमिशन नहीं था जेंट्स को अंदर जाने के लिए, सब बोलते थे जो जाओ नहाओ, थोड़ा रेस्ट कराओ, खाना खाओ, लेकिन नहीं, दिन रात वहाँ पे हॉस्पिटल में इंतजार करते थे, जो इस रूम में, इस हॉस्पिटल में मेरी बीबी है, मेरी बेटी है, और कैसा वक्त आ गया जब 4 दिन हो गया, मैं 4 दिन से मैं नहाई धोई नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी तहस नहस बर्बाद हो गई, उथल पुथल हो गई। उनके बारे में जो भी बोलूं उतना ही, जितना बोलूं उतना ही कम है, बहुत अच्छे है मेरे हस्बैंड। हाँ, आप लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, इतना भी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, भगवान से डरो, जो मुंह में आ रहा है वो बक दे रहे हो, है? पैसे के लिए करती हो, व्यूज के लिए करती हो, ये करती हो, अभी तक मेरा पिन भी नहीं आया है, है? मेरा भी वीडियो से 3-4 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ, कितना व्यूज आ रहा है, जहाँ तक मेरा वॉच टाइम भी कम हो गया उसमें से, उसके बाद डॉलर कम हो गया, वॉच टाइम कम हो गया तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो जितना चलता है उतना वॉच टाइम कंप्लीट होता है, उतना दिखाता है, लेकिन डॉलर नहीं कम होना चाहिए, मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ गया है, और पहले से ही 2 हैशटैग पड़ा हुआ है, आप लोग को क्या पता है, है? बस आप लोग को जो मुंह में आता है बक देते हो, टॉर्चर कर देते हो, भगवान से भी तुम लोगों का डर नहीं लगता है, है? जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे साथ तेरा पति छोड़ के भाग गया, वो बहुत अच्छे है। कितने भाई बहन कह रहे हैं जो दीदी आप रोइए मत, भाभी आप रोइए मत, रोते हुए आप अच्छा नहीं लगते हैं, क्या करूं मैं, सब बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। अंधकार मच गया मेरी जिंदगी में, भारी तूफान आया, और दोस्तों मेरी छोटी वाली ननद मुझे फ़ोन करी थी, जो भाभी भैया यहाँ पे हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से 10 मिनट के दरमियान में रास्ता है, टाइम लगता है उतना ही, तो देखते हैं वहाँ पे, मैं अभी तैयार होके देखती हूँ, जाती हूँ, कनक को भी आज नहीं नहवाई हूँ, जो कल पीले कपड़े पहनी थी वही कपड़े पहनी हुई है, और ट्यूशन अभी गई है, तब तक मैं थोड़ी सी राहत मिली है,
जा रही हूँ, मैं देखती हूँ क्या कैसा होता है नहीं होता है, और मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में जो किस बात के लिए हमारी लड़ाई चल रही है और क्या हुआ है सारे मैं वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताऊंगी। जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे सदस्य है, जो मेरे फैन फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, काफ़ी मेरे वीडियो से उन लोगों को झटका लगा है और परेशानी हो, मतलब उन लोगों की हो रही है, बार बार कमेंट कर रहे हैं, इस दीदी या बहन भाभी आपका मतलब हस्बैंड आ गए हैं तो नहीं, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, लेकिन पर इतना पता चला है जो मेरे ननद फ़ोन करी थी, जो भाभी भैया यहाँ पे है, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं जो कौन सी मेरी बात उनको बुरी लगी है नहीं लगी है, और उसके बाद में क्या कैसा होता है सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर बताऊंगी दिखाऊंगी। और आप लोग जो बोल रहे हैं इस तरह की बात है ये प्लीज़ आप लोग गंदा कॉमेंट मत करिए, और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे YouTube फैमिली है आप लोग ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं आपकी कमेंट पढ़ के बहुत ही सुकून मिल रहा है, हौसला मिल रही है। और आप लोग जो बोल रहे हो, सोच रहे हो जो इस तरह का मेरा चैनल पे वीडियो नहीं गया है, मैं पहले क्यों नहीं वीडियो डालती, नहीं डाल रही थी ना, नहीं डाल रही थी ना, और हमारे पे भी सब वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। एक प्रीति दीदी है वो भी हमारे बारे में वीडियो बना रही है, वो बहुत अच्छा बोल रही है, और जिनको भी वीडियो बनाना है बनाइए, क्योंकि हम इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं हैं जो मेरे पे आप लोगों का इतना व्यूज आएगा, तो जो भी, लेकिन मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोग चिंता मत करिए, ये हमारी लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं कब तक चल रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा वीडियो में आप लोगों को सच्चाई बताएंगे और क्लियर करेंगे। पूरी वीडियो में हम पूरा एक जेड क्लियर करेंगे जो किस मीटर लेके, मतलब इस तरह के वीडियो मुझे चैनल पे डालना पड़ा है, तो मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सिर्फ कॉमेंट करिए अच्छे अच्छे, जो मेरे इस समय हौसला रहे, और देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है नहीं होता है। आप लोग से हाजिर होकर रिक्वेस्ट है प्लीज, आप लोग किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा। अब तो रोते रोते आँखों का आंसू भी सूख गया और सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना जिंदगी टेंशन से भरा हुआ है। और आप लोग जो बोल रहे हैं, जो व्यूज के लिए ड्रामा कर रही है, पैसे कमाने के लिए कर रही है, तो अब मेरा दूसरा भी चैनल है, सेकेंड चैनल इसी नाम से है। देखिए अभी तक उस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं पड़ा है, लॉन्ग वीडियो एक भी नहीं पड़ा है, एक दो शॉर्ट वीडियो पड़ा होगा। अगर मुझे व्यूज के लिए पैसे कमाने के लिए होते ना, तो मैं दोनों भी चैनल पे वीडियो बिल्कुल दनादन मारती, अपलोड करती। इस चैनल पे भी अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, आज एक भी वीडियो नहीं हुआ है, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट में डाली हूँ दो तीन है। मतलब आप लोग का अगर परखना है तो दोनों चैनल मेरा एक ही नाम से है, जाके देखिए आप उस भी चैनल पे वीडियो पड़ा है कि नहीं। देखिए मैं अपनी बेटी को जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए, आज मैं कनक को भी नहीं नहवाई हूँ, आप लोग को मजाक लग रहा है मेरी इस हालत में, मैं गलियों में घूमती हूँ जो कभी आज तक नहीं घूमी थी।